जेल भरो आंदोलन में शामिल होने ग्वालियर जा रहे गुर्जर समाज को सेसईपुरा पर पुलिस ने रोका। खबर सेसईपुरा से है, जहां गुर्जर समाज के आंदोलन में तकरीबन 15 गाड़ियों से ग्वालियर जा रहे समाज के लोगों को सेसईपुरा पर पुलिस चेक पॉइंट बनाकर पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी आचार संहिता लागू है, किसी भी प्रकार का आंदोलन गैर कानूनी माना जाएगा। समाज के लोग कहते नजर आए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी बात रखने जा रहे हैं, मगर पुलिस ने सभी को थाने में ले जाकर शांति भंग की धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए। गुर्जर समाज के प्रतिनिधि पूर्व में दर्ज हुई अपने समाज के लोगों पर FIR को लेकर बड़े ही आक्रोशित थे और भाजपा सरकार को जमकर कोस रहे थे। चुनावों में टिकट को लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया है कि उनके समाज के इतना संख्या बल होने के बावजूद भी उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है। इस बार यदि हमारे समाज के साथ न्याय नहीं होता है तो हम सरकार तक को झुका देंगे और चुनाव बाद बहुत बड़ा आंदोलन समाज करेगा जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। सर, जो आज जो सेसईपुरा थाने पे सर आप पूरा पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जो गुर्जर समाज के लोग रोके गए हैं, सर क्या मामला है सर? ये हम लोगों को ये खबर दी कि कुछ लोग ग्वालियर आज कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है तो वहाँ पर यदि कुछ कार्यक्रम खा रहे हैं, तो यहाँ से भी कुछ खबर थी कि कुछ लोग शिवपुर जिले से भी जाने वाले हैं, तो यहाँ पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी पूरे जिले में व्यवस्था लगी हुई थी। उसी कड़ी में सेसईपुरा में भी एक सर्टिफिकेट और चेकिंग थी, वहाँ पर SDO साहब सब लोग थे यहाँ पर, तो यहाँ भी कुछ गाड़ियाँ ग्वालियर की तरफ जा रही थी, उन लोगों से बात होगी तो उनको वो कोई वाजिब कारण जाने का बता नहीं पा रहे थे। फाइनली ये पता लगा कि ग्वालियर जाने वाले लोग हैं, तो उनको गाड़ियों को यहाँ रोक के और फिर थाने लाया गया है। लगभग 50 लोग हैं, उनको समझाइश दी गई, पहले लोग जाने के लिए बात कर रहे थे, उनको फिर से क्या कार्रवाई की गई उनको गिरफ्तार किया। आज आपको यहाँ समाज को सभी को यहाँ थाने में क्यों अंदर रखा गया है आज? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे समाज के साथ जो अत्याचार और जो जुर्म हुए हैं हमारे साथ में, जो ग्वालियर में जो ज्यादती हुई है, जो हमारे समाज के लोगों द्वारा जो हमारे क्या नाम है मेहरबोज, उसके लिए हमने समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके लिए वहाँ आंदोलन किया गया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा हमारे लोगों पर झूठी कायमी झूठे आरोप लगाए गए, उसके लिए आज जेल भरो आंदोलन का एक कार्यक्रम था 12 तारीख में ग्वालियर, तो वहाँ के लिए हम लोग रवाना हो रहे थे तो यहाँ हमको पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, और कहीं ना कहीं प्रशासन प्लस का नाम है सरकार द्वारा हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया, तो हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्ण आचार संहिता का पालन करते हुए हमारे साथ में जितने लोग हैं, कहीं कोई दंगा फसाद कोई वो नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, शांतिपूर्ण हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन को हमने अपना ज्ञापन देने का अभी दिया नहीं है, लेकिन दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, और हमारी जो गिरफ्तारी हुई है और हमारे जो लोगों के साथ जो कायमी हुई है झूठी और उनके खिलाफ जो हुई है, उनके लिए हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि उनके खिलाफ कायमी ना हो, और ऐसी हमारी मांग है समाज के लोगों की पूरे। आज क्या आंदोलन रखा गया था आज वहाँ पे ग्वालियर में, पूरी संक्षिप्त में बताइए। आज का जो आंदोलन था जेल भरो आंदोलन था, और पूरे देश से गुर्जर समाज के और कई समाज के लोग, हमारे OBC SC ST के सभी लोग हमारा समर्थन में, सभी समाज के लोग हैं, यादव भी मेरे साथ में, अभी यादव गुर्जर जाटव सभी समाजों के लोग मेरे साथ में हैं, कुशवा समाज के सभी समाजों के लोग हमारे साथ में हैं, कि जो हमारे इतिहास को चुराने वाले लोग हमारे इतिहास को चोरी कर रहे हैं, जो लोग हमारे कई पूर्वजनों के जो बलिदान दिए हैं उन लोगों के इतिहास दबाया गया है, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में हम लोग वहाँ जा रहे थे, और जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था और शांतिपूर्ण था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, हम यहाँ अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं। आपने प्रशासन से जो मांगे रखी हैं यदि पूरी नहीं होती हैं किन्हीं कारणों से, तो क्या अगला कदम रहेगा? अगर प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई नहीं होती है, और हमारी अगर सरकार अगर मांगों को पूरी नहीं करती है, तो अभी तो चुनाव है, इसका बदला पहले तो वोट से दिया जाएगा, समाज की ओर से, हमारे समाज में सभी लोगों में आक्रोश है कि इसका बदला हम वोट से इसका जवाब देंगे, और चुनाव बात आचार संहिता हटने के बाद इसका आंदोलन होंगे, धरना आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ऐसी हमारी समाज की यहाँ, और जो इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहे हैं इन पर क्या कहना चाहते हो? कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है इसमें, हालांकि मैं गुर्जर महासभा जिला अध्यक्ष होने के नाते इस बात को, समाज के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ, वैसे तो मैं BJP बिलोंग करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की इसमें नाकामी रही है, क्योंकि
हमारे समाज के लोगों के साथ में। हर जगह आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में भी ऐसी घटना घटित हुई है, हमारे जो मेहरबोज की, जो वैसे तो स्टार्टिंग वहाँ यूपी से ही हुआ है, फिर उसके बाद में ग्वालियर, तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा सरकार के जो मैन जो मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय प्रधान क्या नाम है शिवराज सिंह चौहान जी का, इसमें कहीं ना कहीं उसमें ढीलपुल रही, नहीं तो ये हमारे लोगों के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुए हैं जो कहीं ना कहीं गलत हुए, क्योंकि ऐसी धाराएं लगाई गई हैं उसमें जो देशद्रोही की धारा और राष्ट्र का ऐसी बड़ी धाराएं का उसमें उपयोग किया गया, जबकि उस आंदोलन में शांतिपूर्ण आंदोलन था, ऐसी कोई वो नहीं थी कि वहाँ में कहीं कोई बिना आतंक किया हो। पहले प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में लोग हमारे लोग भड़क गए, जब डंडा पटक किया तो कुछ लोग हमारे भी भड़क गए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई है। इससे हम लोग नाराज हैं कि जो सरकार जिसकी जो है वर्तमान में, उनसे हमारे समाज के लोगों में आक्रोश और नाराजगी है, इससे वो नाराज हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को प्रदेश में कहीं चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, कहीं टिकटों में भी हम लोगों को भागीदारी नहीं दी गई। हमारे यहाँ जैसे कि विजयपुर विधानसभा है, तो हमारे 20,000 करीबन वोट हैं, तो यहाँ टिकट को ले घूम रहे हैं, अभी तक का नाम टिकट फाइनल नहीं किया गया है बीजेपी द्वारा, क्योंकि टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं है। तो जब बीजेपी के पास टिकट के लिए लड़ने के लिए आदमी नहीं है, तो कम से कम गुर्जर समाज के 20,000 समाज के लोग हैं, और हर वक्त चुनाव में कहीं ना कहीं सरकारों में हम लोगों ने अस्सेप किया है और हम लोगों का भाग रहा है, उनने भाग लिया है समाज के लोगों ने, तो सरकारें आई हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टिकट भी दिए जाने चाहिए। तो हमको विजयपुर विधानसभा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, और भी कई विधानसभाओं में हम लोगों को, जबकि 40 से 45 विधानसभाओं को गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में और विधायक की बनने की लायक इतने वोट हैं हमारे, ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। और मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में भी जो टिकट दिए गए हैं, वहाँ भी हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। ये सी हमारी समाज की और हम लोगों की और हमारे युवाओं की आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूँ। सर, मैं किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, श्योपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। सर, जो कठोर कार्रवाइयाँ की गई हैं, सर क्या कहना चाहते हैं उन कार्रवाइयों के ऊपर? आज हम गुर्जर समाज के पूरे जिले के, शोपुर जिले के समस्त समाज के, अन्य समाज के लोग, हम ग्वालियर जा रहे थे। अभी पिछले एक हफ्ते पहले गुर्जर समाज का धरना आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे झूठे समाज के लोगों पर झूठा केस दर्ज कर गया, तो उसको लेके जेल भरो आंदोलन, आज हम ग्वालियर जा रहे थे। और ये तानाशाही, ये सरकार ने तानाशाही की है, और हमारे समाज का ये, अगर शासन ने हमारी समाज की नहीं सुनी, ये तानाशाही सरकार को हम काट के फेंकेंगे, मामा को ये 35 दिन बाद उसको पता चल जाएगा कहाँ थे मामा, और अब नीचे आ गए, नीचे जाएंगे मामा। तो हमारा सभी समाजों से निवेदन है, और ये सभी समाज रोष में है, इस सरकार को काट के फेंकना हमारा, तो यही सभी समाज की और अन्य समाज के लोगों को भी रोष है। पुलिस प्रशासन ने सर आपको क्या क्या कर यहाँ रोक दिया, यहाँ जो चेकिंग पॉइंट बनाया है, क्या कहा आपसे? पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, हम ग्वालियर जा रहे थे, हमने जा रहे थे शांति प्रिया से जा रहे थे सारी गाड़ियों को लेके, और प्रशासन ने रोके। ऊपर से प्रशासन का कहना है, तो हमारे ऊपर से प्रेशर है भाई गुर्जर समाज को यहाँ रोको, तो उनने सोची कहीं बहुत बड़ा वो नहीं कर दें, एक संगठन नहीं बना ले, तो ओबीसी पैक्ट और हरिजन आदिवासी हमारे सभी लोग हमारे साथ में हैं। तो प्रशासन द्वारा श्रीमान SDM महोदय, SDOP महोदय, समस्त पुलिस शेषीपुरा थाने पर इकट्ठे होकर हमको रोका। रोकने के बाद में हमको थाने में गिरफ्तारी दी, तो हमें गिरफ्तारी दे के और उसमें मुचरके पे हमको छोड़। मेरा नंदाराम गुर्जर, गोरस से हूँ, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष, गोरस का मंडल अध्यक्ष हूँ। सर, आप भाजपा पार्टी से हो, अभी जो FIR हुई है, समाज के लोग नाराज हैं, समाज के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो FIR कराई है 700, ये FIR उचित थी या अनुचित थी? सर, आप तो बीजेपी से हो, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमारा समाज का मामला है, हमारे पूरे, ये यहाँ केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, ये पूरे भारत का मामला है। इसमें जो भी हमारे नेताओं के ऊपर खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये इसको शासन को देखना चाहिए, नहीं तो इसको आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। सर, यदि FIR वापस नहीं ली गई या किन्हीं कारण रहे, तो सर किस सरकार को चुनेंगे? ये हमारा जो ऊपर वाले, हमारे जो नेता है ऊपर, जो हमारे नेता इशारा करेंगे उसी के साथ चलेंगे, उन्हीं के कहने पे हम चलेंगे। गुर्जर, क्या कहना चाहते हो, जो आज यहाँ पे आप रोक लिए गए हो शेषीपुरा थाने पे, क्या कहना चाहते हो? आज हमारे जो 700 लोगों पे अवैध कार्रवाई की गई है, शासन प्रशासन तरफ से उल्टा सुधा केस लगा दिया गया है, उन लोगों के सम्मान में आज हम लोग सब लोग
पूरे अपने घर से उनके लिए ग्वालियर रवाना हुई, उससे ही पूरा हमको रोक लिया गया है। क्या क्या कर रोक लिया गया यहाँ पे? इन्होंने कहा कोई नहीं जाएगा, 144 धारा लग रही है, चुनाव चल रहा है, इसलिए रोक लिया हमको। एक गाड़ी में आप कितने लोग जा रहे थे? हमारी 8-10 गाड़ी है, 5 लोग थे हम। तो आचार संहिता का पालन कर रहे थे? बिल्कुल, हम आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई हम इस तरह से नहीं जा रहे थे, हम पूरे सद्भावना से शांति से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोक लिया है। क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहती है? और हमारी मांग यही है सदन प्रसदन से, जो हमारे 700 लोगों पे जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई वापस ली जाए, जो हमारे नेता सब लोग लगे हुए हैं आज, हम अगर नहीं कार्रवाई नहीं ली गई वापस तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे।